तीन काम गिनवाइए जाएगा, वो अपना झोली भरेगा काम, तीन काम गिनवाइए, सिर्फ झोली भरेगा गिनवा भैया। हर घर में अनाज मिल रहा है फ्री, हर घर कच्चा घर को घर मिल रहा है, हर जो कच्चा चूल्हा जो चलाता था लकड़ी का उसको सिलेंडर मिल रहा है। आज इंडिया का नाम विश्व में प्रचलित है। आयुष्मान योजना है, राम मंदिर बना दिया, धारा 370 हटा दिया, देश का उसे पूरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बात हो रहा है, हमारे देश को मजबूत करके रखा है ना। आज आज इंडिया के लिए ओनली मोदी, पूरे बीजेपी मुट्ठी में रखे हुए पूरा विश्व को। एक भी जो भी है अपना मैनिफेस्टो में जो भी है भारतीय जनता पार्टी ने बताए थे, जो जो वादे करके आए हैं, एक भी बताइए, एक भी बताइए, एक भी गारंटी बोलिए। जो 200 रोजगार की बात हो, आपके जाकर महंगाई की बात हो, आपके जाके अन्य और भी मुद्दे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये है क्या? एक भी सफल खड़ा उतरे हैं? इसके सरकार में सिर्फ स्कैम हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। गरीब मर रहे हैं, मरने दो। बीजेपी का कहना आइए, ये एंड्रॉइड कौन गरीब के पास नहीं है? एंड्रॉइड सेट हर एक, आप गरीब, ये तो मोबाइल दिखा रहे हैं ना, ये हार है ना, गरीब नहीं खरीद सकता है। गरीब को चाहिए रोटी कपड़ा मकान, और ये बीजेपी सरकार देने में एकदम असमर्थ है। ठीक है, एक गरीब रोजगार से जाके आप पूछिए, सौ रोजगार भी अच्छी होता है, कैसा चल रहा है? 100% आदमी को रोजगार पूछिए, संभव नहीं है, पूछिए कि कैसा दौर चल रहा है। ठीक है, एक गरीब परिवार बताएगा कि बीजेपी सब कोई करते हैं, लेकिन सब कोई अपना कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कहां लिखा हुआ है कि जितने संसाधन ये अकलियत का है, भाई लिखा हुआ कांग्रेस के मैनिफेस्टो में, तो ये तो गलत बयान दे रहा है। मैनिफेस्टो में नहीं था, मनमोहन सिंह का सरकार बोला था कि पहला मुस्लिम का अधिकार है, ये गलत है, संविधान के खिलाफ। ये तो आपके प्रधानमंत्री ने बोला है, ये तो गलत है, झूठ बोला गया है, झूठ बोला गया है। आपकी बार 400 पार कांग्रेस सरकार, 100% 400 पार नरेंद्र मोदी, मोदी नरेंद्र मोदी सरकार, मोदी सरकार, पे जो जो नारे पे राहुल गांधी जिंदाबाद। पांच काम बताइए नरेंद्र मोदी का, पांच काम। मैं हमेशा देखता हूँ सर आपका, सर आवाज बहुत बोल्डनेस आवाज आपका है, ताल का मजा देते हैं सर आप, बिल्कुल सर। मैं तो होता है ना कि बिन कुछ कहे हुए, मतलब आपका अलग हटके होता है, अरे वो जो बिन कहे भी कह देते हैं। बिल्कुल सर, आपका जो खुशी होती है मिलने से, लोगों की जो मिलने खुशी होती है या रिस्पॉन्स देने के, वो अलग हटके है। नहीं कहना चाहते हैं लेकिन फिर भी बोल देते हैं, क्योंकि आपको देख के सर आ गए, भैया जी आ गए। मैं सर इसलिए नहीं। क्या नाम हो गया तुम्हारा? मेरा पंकज साहू। पंकज साहू? पंकज साहू, क्या बात है, डिजाइनर आदमी हो यार तुम। नहीं देखो कैसा डिजाइनर हो तुम, पूरा देखा है इनको, जानते हो पंकज? पंकज है ये, अरे इनको जानते हैं आप? नहीं, पंकज है ये। अच्छा अच्छा अच्छा, देखिए साहब, एक दो तीन और हर तीस चीज का कॉम्बिनेशन बना के चले। क्या नाम हो गया? पंकज कुमार साहब। पंकज जानते हैं इनको? जी नहीं। अरे कैसे आदमी है आप, इनको नहीं जान रहे? पंकज साहू जानो। बोला सर, क्या पूछ रहे हैं सर? पहले पूछ रहे थे इस बार क्या चुनाव? इस बार तो क्लियर है, बताने की जरूरत ही नहीं है, तो सबको मालूम है, सबको मालूम है, बताने इस बार आरजेडी का सरकार बनेगा। आरजेडी की सरकार बनेगी जी, आरजेडी की? नहीं नहीं, गलत बात, कहाँ से, संभव ही नहीं है। लालू यादव जिंदाबाद है? लालू यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद लालू यादव जिंदाबाद। नहीं नहीं, गलत बात, जो विकास करेगा उसी का बनेगा। भैया जी बड़ा स्वागत है रांची में भाई, लेकिन बहुत स्वागत है, यू आर मोस्ट वेलकम, रोज आपको देखते हैं हम लोग। भैया जी मोहन आनंद है, मोहन आनंद, आप मोहन आनंद, आप टीवी में आते हैं? आनंद मोहन, आप टीवी में आते हैं? आप फिल्म में हैं क्या? किस फिल्म में आते हैं? फिल्म में नहीं, आप टीवी में आते हैं? ये तो मैं तो आता हूँ, ये क्या दिल्ली में क्या बोलते हैं उसको, कनॉट प्लेस, कनॉट प्लेस में आते हैं सबसे इंटरव्यू। मैंने कल भी इनकम देखे थे,
पटना गए थे, बिहार, बिहार में इंटरव्यू ले रहे थे और वहाँ दही आप कुछ खाए थे वहाँ कचौड़ी वाले का एडवर्टाइज भी किए थे। इतने स्मार्ट है अब बाल ऐसे क्यों रखते हैं? इतने स्मार्ट है बाल ऐसे क्यों रखते हैं? बाल भी स्टाइल है, बोलिए ना स्टाइल है हमारा, ये स्टाइल है क्या? यही पहचान है, सब मारता है बाल में है। ये आपका स्टाइल है? क्या नाम हो गया? प्रवीण कुमार। रिंकू खान है? रिंकू खान, रिंकू खान भाई। अरे आनंद मोहन कहाँ चले गए? वो अमन, अमन, अमन बेटा, वो अमन बेटा है। इधर आओ आनंद मोहन, यहाँ अमन बेटा को बोलाइए। यहाँ वही है मेन मालिक, मालिक वही है। हाँ देखिए इसका बन रहा है अंदर मार्केट। अच्छा आर पार है दुकान? आर पार। और बस कुछ नहीं। डर कहाँ रहे थे? डर नहीं रहता, इंटरव्यू कभी नहीं दिया बेचारा, इसीलिए उसको ऐसा लग रहा था। तुम तो रोज दे रहे हो आजकल? हाँ ले लीजिए, सुबह शाम दोपहर। जी जी जी, उससे भी पांचों टाइम दे रहा हूँ इंटरव्यू। हाँ हाँ ले लीजिए। फुटपाथ पे काहे लगाए हो? कहाँ है फुटपाथ पे, मेरा दुकान मेरा जमीन में लगा हुआ है दुकान। फुटपाथ तो आप जहाँ खड़े हैं, हम जहाँ खड़े हैं वहाँ है। अंदर का माल बाहर ले आए हैं, अंदर बन जाएगा तो बाहर का माल अंदर चला जाएगा। अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। पहले हीरो रह चुके? हाँ पहले किया, चार पाँच साल काम किया वहाँ मुंबई में, फिर वहाँ चले ही नहीं हम। दिल्ली रहते हैं ना? अब दिल्ली में कर रहे हैं, वही इन्हीं के साथ कर रहे हैं। ये जो पाजी नहीं है, इन्हीं फिल्म में काम कर रहे हैं। अब वो तो फिल्म मुंबई वालों ने तो रिजेक्ट कर दिया मुझे। मजमा लग जाता है आप यहाँ जाते हैं। अब वो तो अब खैर बात अलग है, लेकिन मुंबई में नहीं चल पाए। अब तो ज्यादा पार्टी पॉलिटिक्स वाला लोग से बात करते हैं। फिर उसी में आ गया, फिर मुंबई में गया था, आठ दस साल रहा वहाँ। आपके साथ एक फोटो लेना है। ले लो बेटा। तो फिर जब मुंबई गए वहाँ, गल्बिले फिर मुंबई गए वहाँ, बना नहीं काम वहाँ, तो फिर इधर ही आ गया, फिर यहीं चैनल में, इन्हीं के चैनल में न्यूज 18 में करने लगा काम। फोटो लेना, खुशी होती है आपको, देखते हैं ना टीवी में, बहुत खुशी होती है। फिर मुंबई में फोटो ले, फोटो ले। हाँ ले लिया, आओ। प्रवीण अंकल, आपकी जरूर इच्छा थी मुंबई जाने की? ना ना ना, मेरी थी इच्छा या नहीं थी? अरे वो छोड़िए, वो तो कोई बात, वो तो एक्सीडेंट हो गया। हाँ एक्सीडेंट हो गया, वो तो कोई बात नहीं, लेकिन आपकी इच्छा जरूर थी मुंबई वाली, क्योंकि वो जो बीज है वो मैंने देख लिया अंदर, वो कुल मिला रहा। मैं तो ना गया कभी मुंबई, न जाने की इच्छा थी, लेकिन वप्पा जी आपकी इश्क में इतना हुआ गिरफ्तार कि अब तो पता ही नहीं चलता कि मैं कौन, आप कौन, ये कौन, सेल्फी कौन, दुकान कौन, सड़क कौन, फुटपाथ, फुटपाथ नहीं, फुटपाथ कौन। आपका न्यूज तो हम लोग हमेशा देखते हैं भैया जी, कहीं जहाँ भैया जी और आपकी तो मिठाई की, वाह क्या बात है, बगल में आभूषण और इधर मीठा, इधर मिठाई, मीठा जो है बाबूजी, मीठा जो है मुंह का आभूषण है, आभूषण, और इनके पास तो आभूषण है ही। और गर्मी में आम का रस है, आम का रस है। तो इधर जल्दी जल्दी बताइए, भैया चुनाव में क्या होना है? आप लोग सब पीना होगा? चुनाव तो सर बहुत अच्छा होगा, चुनाव फंसा हुआ चुनाव है क्या? नहीं नहीं फंसा हुआ काहे के लिए, निकला हुआ चुनाव एकदम निकल गया। किसका? बस बीजेपी और क्या, नरेंद्र मोदी 400 पार, 400 बीजेपी, बीजेपी आएगी 400 पार, 400 पार मोदी जी। बोलिए, ये सब क्या बोले, ये सब क्या बोले? नरेंद्र मोदी 400 पार, यही पूछ रहे हैं। यहाँ तो मनीष जसवाल लड़ रहे हैं चुनाव, नरेंद्र मोदी थोड़ी लड़ रहे हैं। तो मनीष, हाँ तो बीजेपी वही जो है मनीष जसवाल। आप यहाँ नहीं रहते? हम यही रहते हैं। अच्छा, तो अच्छा काम किया है, जनता देखेगी। अभी हम किसी को नहीं बोल सकते मनीष जसवाल जीतेगा कि जेपी पटेल जीतेगा, दोनों में से कोई भी जीत सकता है, पब्लिक जिसको चुनेगी। हम अपने मन का वोट अभी कैसे बता सकते, मनीष जसवाल या बीजेपी अभी नहीं बता सकते हैं। जब तक चुनाव का फाइनल रिजल्ट नहीं आएगा अभी तक क्लियरिटी कैसे पता चलेगा? चुनाव का रिजल्ट तो सरकार देती है, रिजल्ट असली रिजल्ट तो हम लोग देते हैं। कैसे दे दीजिएगा जब तक चुनाव का पूरा, चार आदमी जो नहीं है, नहीं ऐसे चार आदमी फाइनल, चार आदमी से जीत जाएगा बीजेपी, कांग्रेस जीत जाएगा या जेपी? आप बोल रहे हैं 10 में से अकेला आप ही सिर्फ बोल रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात, कोई समय, ये 10, अरे हीरो भाई कोई बात नहीं, हीरो यार तुम, अरे हीरो सब आप भी हीरो ही हैं। Congratulations to you. We are first time watching at Hazaribagh town. So the people of Hazaribagh is very
हैप्पी टू सी योर चैनल एंड ऑल्सो टू सी यू. इट इज़ वेरी ग्रेटफुल टू द पीपुल ऑफ हजारीबाग दैट लाइक योर पर्सन यू आर कमिंग हियर एंड यू आर वॉचिंग द स्टेटस एंड रियल पोजिशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड वॉट इज द ओपिनियन ऑफ द पीपुल बिहाइंड एनीथिंग और बिहाइंड द इलेक्शन. थैंक यू वेरी मच. आप काऊ पे सुनाइए. आप काऊ पे सुनाइए. गौ माता काऊ पे पूरा सुनाइए. अभी तो जो आपने सुनाया वो सुनाया. आप काऊ पे सुनाइए. गौ माता पे काऊ. हाँ काऊ मीन्स गौ माता. आई वुड लाइक टू से इन हिंदी. वाई इन हिंदी इंग्लिश काऊ. काऊ कैरी ऑन. काऊ इज ए इंग्लिश वर्ड एंड ऑल ऑफ अस आर नोइंग दैट काऊ इज कॉल्ड आवर गौ माता विच कैन नॉट बी denied here because cow is a most useful animal of human being and all human being gains most of benefit from the production of the cow. Production of the cow and the milk is very important protein which gets anything more and more fruitful for our cow. घिसी पिटी कौन चीज. इंग्लिश. तुम तो दो मिनट में उतार दिए इनकी. इतनी कोशिश करके सुना रहे हो तुम दो मिनट में उतार. क्या नाम तुम्हारा. फिर मैं बताऊं. फिरोज खान. दो मिनट में उतार दिया तुमने इनको. दो मिनट पहले मैंने दिया इसलिए बोल दिया. बताइए इतना अंग्रेजी में बोला. चलिए का कीजिएगा. इंडियन है तो हाथ हम लोग का मातृभाषा है ना. मातृभाषा इज आवर मदर लैंग्वेज. सो वी शुड नॉट फॉरगेट द आवर लैंग्वेज बट इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू ऑल ऑफ अस दैट वी शुड लर्न वी शुड से इन इंग्लिश. नाम हो गया आपका. रविंद्र ओझा. चलिए बहुत 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 धन्यवाद आपको पाकर. इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश. आई एम वेरी हैप्पी टू वॉच यू एंड people here we are watching you feeling very good very nice for the first time at Hazaribagh town. Bahut English. We are also waiting for your appearance next when you will come here. यूपी में भी देखा आपका. बहुत अच्छा आपका प्रोग्राम लगता है देखने में. बेटर लेकिन वो वाली अभी नहीं मिलेगी आपको जो आप चिल्ला चिल्ला के जाते हो दूसरे के पास. चैनल बहुत अच्छा. English. So, I would like to say in English that the English people of Hazaribagh is very grateful to you. मैं सौर कुमार हुआ. हिंदी भाषा हम लोग. मैं आपका झंडा चौक. मैं फ्रॉम मैं घर हुआ झंडा चौक में. मैं घर झंडा चौक हुआ. मैं आपका नाम बताओ. पर दुकान का नाम इंग्लिश सुनना है सर. आगे परफेक्ट. मैं आपका चैनल हर दिन देखता हूँ. बहुत अच्छा लगता है. हाय मेरी जान. थैंक यू सर. जनाब सलाम वालेकुम. कैसे हुजूर. ठीक है सर. बस 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 दुआओं में रहिए. दुआओं में याद रखिए. यही है बस. बस मेजर से जहानाबाद. वो ज्यादा दूर है. बहुत बड़े आदमी है. बहुत बड़े आदमी है जहानाबाद के. हाँ जी. हाँ हाँ ये जनता नहीं है. ये जनता नहीं है. ये विलायत है. हाँ कैसे हैं आप. यही दुकान है आपकी चप्पल की. गुप्ता भांगड़ा भी चलता है. मेरा ऑर्केस्ट्रा भी चलता है. गुप्ता भांगड़ा पार्टी. गुप्ता भांगड़ा पार्टी. आपका भांगड़ा भी चलता है जी. और क्या चलता है. ऑर्केस्ट्रा. ऑर्केस्ट्रा भी चलता है जी. ट्रॉली वाला. कौन वाला. ट्रॉली. ट्रॉली कौन वाला. ट्रॉली. कौन वाला. डीजे. गुप्ता भांगड़ा झाड़ फाटक. झाड़ फाटक. प्रचार रिकॉर्डिंग. रिकॉर्डिंग साउंड बाजा सब चलता है जी. हाँ रिकॉर्डिंग भी करते हैं. अच्छा जी. और जूता भी बेच लेते हैं जी. हाँ. और है गुप्ता. हाँ नेता लोग का प्रचार का रिकॉर्डिंग भी बनाते हैं. और भांगड़ा करते हैं. कट कर दिखाइए.
ना रंग देखिए, ना रूप देखिए, ना जात देखिए, ना धर्म देखिए। वाह क्या बात है। दीवार गिराकर मजहब किया, हमारे भैया जी का कर्म देखिए, यही है कर्मवीर सूरवीर योद्धा जो आज जहानाबाद की पावन धरती पर आ गए हैं हम सब के लिए, मान के लिए, सम्मान के लिए। तो आज हमारे भैया जी के इरादों को बुलंद कीजिए और अपना जय सिया राम 400 पार। ये क्या चूहा चूहा फांसने के लिए चप्पल काटता है, चप्पल काटता है, चप्पल काटता है तो निकाल के रख दिया। क्या जा भाई, भाई गुप्ता जी आप कभी भांगड़ा भी कर लेते हैं, रिकॉर्डिंग भी कर लेते हैं, झाड़ फाटक भी है, प्रचार रिकॉर्डिंग भी है, साउंड भी है, बाजा भी है, क्या बात है। आप सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब, खैरियत से? ठीक है सर, यहाँ का माहौल कैसे, मतलब लोगों में सर देख रहे हैं कि बातचीत का ऐसे लग रहा है जैसे अपना क्षेत्र पड़ता है सर पटना जिला, है पटना जिला जो है मतलब वहाँ क्या हो रहा है पाटलिपुत्र, हमारे क्या तो सर राम कृपाले जी रहेंगे बीजेपी जी। कौन चीज बोल रही, कोयल बोल रहा, कोयल बोल रहा है या कोयल बोल रही है? बोल रही है। वो देखो बैठी है, वो देखा कोयल बोल रहा है, कोयल बोल रहा है, बोल रहा है या बोल रही, बोल रही है, है? बोल रही है, बोल रही है या बोल रही है, बोल रही है। अरे बोर नहीं बोल रही है, बोल रही है। कौन चीज, कौन चीज, कौन चीज बोल रही है? कोयल, कोयल नहीं बोल रही है, क्या बोल रही हूँ उसका अर्थ निकल रहा है। कोयल 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 का आवाज क्या निकल रहा है ये पूछ रहे हैं। मिठास, अरे आप भी बताते हैं, बताइए। एक तो नगरी आंधर है ये है और राजा भी आंधर है, प्रजा तो ऐसे है ये है। तुम समझ जाते हो कोयल क्या बोल रही है? ना उतना तो ना समझते हैं, लेकिन क्या बोल रही होगी, जो बोल रही होगी तो आप ही बताइए। बोल रही है कि आप बहुत समझदार हैं सारे सारी नगरी में। हम लोग समझदार नहीं है, हम लोग समझदार रहते तो ही। क्या नाम हो गया आपका? हमारा नाम राजेश कुमार है। राजेश जी सबसे इंटेलिजेंट आदमी आप ही हैं पूरे शहर में जहानाबाद में। नहीं नहीं ऐसा मत बोल के फुला दीजिए रसगुल्ला नियत। आपसे ज्यादा काबिल आदमी अभी तक कोई नहीं मिला बिहार में। नहीं नहीं ऐसा मत। तो हमने तो ये सवाल पूछा नहीं था कि कोयल क्या बोल रही है, तो अपने मने से लगा देते हैं सब। अपना मने से कैसे लगा दिए, आप पूछ रहे कौन बोल रही है? तो कोयल बोल रही है, क्या बोल रही पूछा था हमने। बड़का काबिल बन रहे हैं, बोले कौन बोल रही था, क्या बोले आप? अब चुप हो गई है, अब चुप हो गई, अब चुप हो गई, अब चुप हो गई है, अब चुप हो गई है। हम क्या बोले, अरे अब चुप हो गई है। चलिए जी, चलिए जी।